नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब एंड कैरियर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि RRB NTPC की CBT 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम जानते हैं कि जो इस CBT 1 की जो है एग्ज़ाम हुआ है, इसमें जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे वो लगभग 1,26,00,000 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। और वहीं दोस्तों अगर हम ये जानते हैं कि इसमें जो है वैकेंसी कितनी थी, तो इसमें जो RRB NTPC में टोटल वैकेंसी थी वो 35,277 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई थी। दोस्तों इस बार जो 13 तरह के पद आए हुए हैं, जिसमें 5 टाइप के पद तो 12th बेस्ड हैं और 8 टाइप के पद जो है ग्रेजुएशन बेस्ड एग्ज़ाम के लिए आए हुए थे। 5 टाइप के जो दोस्तों फॉर्म जिसके लिए अप्लाई किए गए हैं, 5 टाइप के जो पद है उसमें जो है 10,628 वैकेंसी है, और जो ये 8 टाइप के अलग जो ग्रेजुएशन के हैं उसमें जो है 24,649 जो है वैकेंसी आई थी। टोटल मिलाकर के हम जो है कह सकते हैं कि 35,277 पोस्ट है जो टोटल हैं, जिसके लिए 1,26,00,000 स्टूडेंट जो है फॉर्म अप्लाई किए थे। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से बहुत से स्टूडेंट ने एग्ज़ाम छोड़ दिया और इसमें जो है 55-60% लोगों ने ही एग्ज़ाम को दिया। तो जो कट ऑफ है वो इसी बेस पे बनने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया है, तो इस बार कट ऑफ जो दोस्तों कुछ कम ही जाने वाली है। अगर दोस्तों हम 2016 की जो है जो NTPC की वैकेंसी आई थी उससे हम कंपेरिजन करते हैं, तो उस टाइम पे जो टोटल वैकेंसी थी वो लगभग 14,023 के आसपास थी, और उस टाइम पे जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे वो दोस्तों 92,00,000 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। आप लोग देख सकते हैं पहले 92,00,000 फॉर्म अप्लाई किए गए थे और अब जो है 1,26,00,000 फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। तो दोस्तों अगर हम ये जान लेते हैं कि उस टाइम पे जो क्या कॉम्पिटिशन था और क्या कट ऑफ गई थी, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 2016 के टाइम पीरियड में इंटरनेट इतना उपलब्ध नहीं था, तो लोग ज़्यादा जागरूक नहीं थे, तो लोगों ने अपने ही बेस पे तैयारी किया, नॉर्मल ऑफलाइन कोचिंग से उन्होंने तैयारी किया। तो उस टाइम पे जो कट ऑफ गई थी वो आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें दोस्तों सभी जोन की कट ऑफ दी गई है। ये जो है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं कि नॉर्मलाइज्ड करके ये मार्क्स दिए गए। अगर रो मार्क्स बात करते हैं तो इसमें जो है 5-10 नंबर डिक्रीज कर लीजिए तो आप लोगों का रो मार्क्स आता है। उस टाइम पे दोस्तों 5-10 नंबर जो है इम्प्रूव किए गए थे। तो ये सारी जोन वाइज आपके सामने जो है कट ऑफ CBT 1 की दी गई है 2016 की। तो दोस्तों अगर हम जानते हैं कि जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ है, जो फॉर्म आए थे, और जो 2021 के जनवरी में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे, उसके लिए कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखी गई है कि अगर आप लोग मिनिमम इतने मार्क्स आते हैं तो आप लोग जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की बात कर रहा हूँ। जनरल के लिए दोस्तों 40%, OBC के लिए 30% और ST के लिए 25% मिनिमम मार्क्स लाने ही हैं। अगर आप लोग इतना मार्क्स ला रहे हैं तो आप लोग जो है कट ऑफ में आएंगे। इससे पहले अगर आप लोग इससे भी कम नंबर ला रहे हैं तो आप लोग समझिए आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो वैकेंसी है पहले के गुना, कम से कम 2.5 गुना वैकेंसी जो बढ़ गई है, तो हम कह सकते हैं कि जो इस बार जो कट ऑफ है पहले से थोड़ी बहुत तो कम जाएगी। पहले जितनी कट ऑफ गई थी क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन था, इस बार इतना कंपटीशन नहीं रहा है क्योंकि कोरोना ने ऐसा इफेक्ट डाला कि बहुत से स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम को दिया नहीं है। तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आप लोगों का 60+ मार्क्स बन रहा है, रो मार्क्स, दोस्तों मैं रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप लोगों का रो मार्क्स में 60+ बन रहा है तो आप लोग CBT 2 की तैयारी कीजिए। OBC से हैं तो 55+ अगर बन रहा है, SC से हैं तो आपको 50+, ST से हैं तो 45+, EWS से हैं तो दोस्तों 52+ आप लोग अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग आराम से तैयारी कीजिए। EWS में दोस्तों इस बार जो है क्या कट ऑफ जाने वाली है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही दोस्तों क्योंकि पहले EWS का कोई प्रावधान था नहीं, तो कोई इसमें ज़्यादा कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। कोई बड़ा चैनल कैसा भी कह रहे हो कि इतने कट ऑफ जाएगी ऐसे जाएगी, लोग अपना कोर्स बेचने के लिए कम से कम कट ऑफ की डिमांड कर रहे हैं दोस्तों कितना कट ऑफ जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि कट ऑफ काफ़ी इतना ही ज़्यादा कम चला जाएगा। बहुत से लोगों ने तो ये कह दिया कि केवल 40% कट ऑफ जाने वाले, 30% कट ऑफ जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों।
मिनिमम 60 मार्क्स का तो कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। इसलिए आप लोग जो अगर आप लोग 60 प्लस ला रहे हैं तो आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि जो ये CBT 2 है इसमें 20 गुना बच्चे बुलाए जाने हैं। 20 गुना बच्चे यानी कि लगभग 7 लाख बच्चे जो है CBT 2 को देंगे। अगर दोस्तों हम CBT 2 के बारे में जानते हैं कि क्या उसमें कौन कौन सा सिलेबस क्या है और कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है, क्या सब्जेक्ट आने वाला है, तो उसके ऊपर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि टोटल जो कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों 120 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 35 नंबर जो मैथ्स के आएंगे, 35 रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस के आने वाले हैं। तो दोस्तों जी जान लगा के तैयारी कीजिए। अगर आप लोग जो है CBT 1 को क्वालिफाई कर रहे हैं तो CBT 2 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और इस बार जो है एक पोस्ट अपना सिक्योर कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है या फिर आप लोगों को कोई प्रश्न है आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके प्रत्येक कमेंट का आंसर जरूर देंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।